नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा, किया परेड का निरीक्षण, लिया मार्च पास्ट की सलामी, कहा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है गोरखपुर। गणतंत्र दिवस पर कमिश्नर ने अपने कार्यालय पर फहराया झंडा, लोगों को दिलाई देश की एकता और अखंडता की शपथ। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक, पार्टी के द्वारा जारी कार्यक्रमों के सफल आयोजन की तैयार की गई रणनीति, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कोतवाली पुलिस ने 7 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 7 बाइक भी की बरामद, एसपी सिटी और सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। 17वें गणतंत्र दिवस पर डीएम ने किया ध्वजारोहण, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा शपथ दिलाकर गणतंत्र का बताया महत्व। राष्ट्रपर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत महापौर के अध्यक्षता में आयोजित हुई सभा, नगर निगम के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कारागार से अर्थदंड नहीं जमा करने वाले 8 कैदी का अर्थदंड शहर के व्यापारियों ने किया जमा, हुई रिहाई। क्षेत्राधिकारी कैंट कार्यालय का एडीजी ने किया उद्घाटन, कहा कार्यालय का जोड़दार होने कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता में होगी वृद्धि। महिला कल्याण संगठन ने रेलवे अस्पताल में किया वाई पैप मशीन का उद्घाटन, मौजूद रहे रेलवे के आला अधिकारी और चिकित्सक। लेक्चरर ऑन वोमेन हेल्थ इश्यूज के माध्यम से डॉक्टर श्रुति बोत्रे ने महिला आरक्षियों को दी हेल्थ एडवाइस, कहा अपने सेहत का रखें विशेष ध्यान। रोटरी क्लब और ऐश्वर्या ने मनाया गणतंत्र उत्सव, निकाली भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रध्वज फहराकर श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्र पर्व पर एनसीसी कैडेटों ने दी सलामी, छात्राओं ने गाया देशभक्ति गीत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने निकाली वीर सपूतों और वीरांगनाओं की वेशभूषा में मनमोहक झांकी, नागरिकों ने बरसाए फूल। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रगति की झांकी को विकास उप आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर पुलिस परेड ग्राउंड पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रहे प्रदेश की सिंचाई यांत्रिकी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने ध्वजारोहण किया और पुलिस परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस के जवानों ने शानदार परेड प्रस्तुत किया, जिसका प्रभारी मंत्री ने सलामी ली। परेड में UP-100 डायल की बाइक, फायर ब्रिगेड, पुलिस कमांडो के जवान, पीटर के जवान मौजूद रहे। समारोह में स्कूली छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की तथा फायर विभाग ने भी मार्क ड्रिल किया। समारोह में मुख्य आकर्षण हरियाणा से आए, जिन्होंने चलते ट्रैक्टर को अपने हाथों से रोक दिया और उनके ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया, जिसकी लोगों ने काफ़ी सराहना की। इस मौके पर मंत्री ने बहादुरी के लिए नागरिकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार विकास और सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है। हमारे पुलिस के जवान लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर है। मंत्री ने कहा कि अब सिर्फ हुजूर के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, अब मजदूर के बच्चे भी पढ़ेंगे। उन्होंने कहा जहां राजाओं का राज खत्म होता है वहां से योगी राज शुरू होता है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को तरक्की के राह पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। समारोह में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, सदर सांसद प्रवीण निषाद, एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आईजी जय नारायण सिंह, जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ, डीएम के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के अंत में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। जगन्नाथन जी आज गोरखपुर
क्या बनी है। पूरी परेड में आज ही रंग स्वागत किया, प्रणाम किया। स्वामी जी, निश्चित रूप से ये आनंद का उत्सव है, गौरव और गरिमा का स्थान, स्वाभिमान की संतुष्टि, अपनी पहचान और अपनी अस्मिता का एक गौरव जी के इस महोत्सव में हमें उन महान आहुतियों को विस्मृत नहीं करना है जो इस महायज्ञ के पीछे हैं, जिस वजह से हम आजाद हवा में सांसें लेते हुए गणतंत्र दिवस का पुलिस यानी संगठन पुलिस अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। मन कर रही है कि है हमारा शेर दुर्ग, हमारे आराम की नींद सोते हैं उसमें समर्पण। जब हम अपने श्री दावा शेरपा जी के आगमन का जोरदार तालियां, जॉइंट मेजर राम जी गौड़, शुभम पटेल, जिसके अंदर हमारा कोई नहीं। ये पुलिस वाले शंकर हैं, ये जितेंद्र हैं, इन्हें आता है हमारी जो कभी सोता नहीं, समर्पण क्या उतार रहे हैं। जब एक मासूम वीडियो नहीं सदियों के कदमों से मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रीय सलूट, हे राष्ट्रीय ध्वज, आकांक्षाओं के आराध्य तुम्हें सलाम। त्याग समर्पण और बलिदानों के अद्भुत प्रतिफल तुम्हारा संपूर्ण पावन है, पवित्र है। हमारी प्राचीनतम संस्कृतियों के संवाहक हे राष्ट्रीय ध्वज, तुम्हारा इतिहास और भूगोल वंदनीय है। हमारा शान से, गर्व से, गौरव से तिरंगा लहराता हुआ हमारा आत्म सम्मान, हमारा गौरवशाली, हमारी हिम्मत।
दोनों के अपराधियों के हौसले पर करने के लिए राष्ट्रीय सलामी हर फायर के माध्यम से तीन बार ये हर फायर होता है। तिरंगों के तीन रंग होते हैं, प्रति सम्मान भी हो रहा है। राष्ट्रीय पर्व के प्रति अपना सम्मान तीसरा और अंतिम फायर होगा। लेकिन हमारे दाईं तरफ जो हमारे अति सम्मानित अतिथि है उनकी भी तालियों की दरकार है, आवश्यकता है। इन महान पुलिस बल के शक्तिपुंज को, शौर्य को, अदम्य साहस को, पराक्रम को जो अद्भुत मिसाल है। निरीक्षक दिनेश कुमार यादव जी जोरदार तालियां बजाएं। नंबर कदम दिनेश कुमार सिंह जी, दिनेश कुमार चतुर्वेदी जी, आपकी तालियां बहुत कम पड़ रही हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत का ये प्रतिफल है आपके सामने। महिला रिक्रूट आरक्षी का नेतृत्व कर रहे हैं अनिल कुमार गोपी जी और दूसरी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं रवीन सिंह तोमर जी। महिला आरक्षी का नेतृत्व कर रही हैं राजकुमारी शुक्ला जी। आपके सामने से अभी गुजरेगी महिला आरक्षी की टोली, महिला रंगू के आरक्षी जिनके सामने सुनहरा भविष्य है और रखना है, इतिहास रचना है इन्हें। राजकुमारी शुक्ला इतिहास क्षेत्र के थानों की ये पुलिस, रामानु सिंह यादव जी यातायात पुलिस जिसको हमने हमेशा अपने आस पास चाहा और दुर्घटना होने का मतलब होता है हम आपस में ये उलझ जाए और मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। टीपी श्रीनिवास तिवारी जी निरीक्षक
संपूर्ण प्रवर्तन होते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर संघर्ष किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। आज हम आजाद देश के नागरिक हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के नाम से हमारा संविधान बना, तब गणतंत्र दिवस घोषित हुआ। आज हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हम आप सभी को योगी सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हम उम्मीद करते हैं ये गणतंत्र दिवस आपको सुख शांति और विकास और सुरक्षा से परिपूर्ण होगा। अभी हम सभी ने जनपद गोरखपुर की पुलिस के प्रशंसनीय कार्य को देखा। मैं जनपद गोरखपुर के कुशल और बहादुर पुलिसकर्मियों के द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य जनपद गोरखपुर में किए गए, अवैध शस्त्र कच्ची शराब रोकने का प्रयास और बरामदगी, गौ तस्करों की गिरफ्तारी, इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने का प्रशंसनीय कार्य किया गया है, इसलिए जनपद के सभी बहादुर पुलिसकर्मी और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा हमारी जनपद गोरखपुर की पुलिस में पहली बार गोरखपुर में पुलिस ट्रेनिंग केंद्र, तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाए जाने की कार्रवाई, महिला बटालियन हेत 50 एकड़ भूमि का आवंटन, ये ऐसे कार्य हैं जो आम जन को लाभकारी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से गोरखपुर में अस्पताल, खाद कारखाना, गन्ना कारखाना, हवाई और रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी, एक्सप्रेसवे और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया गया है। यूं तो योगी सरकार संपूर्ण प्रदेश में विकास कर रही है, लेकिन गोरखपुर का भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो 2 वर्ष के अल्प समय में ही दिखाई देने लगा है। बंधु, मोदी जी के सपनों का प्रदेश बने, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सोच है, देश की तरक्की तब होगी जब ग्रामीण भारत की तरक्की होगी, और ग्रामीण भारत की तरक्की तब होगी जब गांव की तरक्की होगी, किसान की तरक्की होगी।
इसीलिए योगी सरकार माननीय मोदी जी ने जो चार बातों पर विशेष ध्यान दिया है देश की जनता के लिए, योगी सरकार उसको लागू करने का काम कर रही है। नंबर एक पढ़ाई, नंबर दो दवाई, नंबर तीन सिंचाई और नंबर चार कमाई। सच में जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो शिक्षित होते हैं वो विकसित होते हैं। गरीबों का दर्द माननीय मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो। मोदी जी चाहते हैं कि अब हजूर के बेटे ही हजूर ना हो, अब गरीब के मजदूर के बेटे भी हजूर हो। इसलिए पढ़ाई में इसे ध्यान दिया गया। दवाई, वास्तव में दवा के अभाव में व्यक्ति तड़प तड़प कर मरता था। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त कर दिया गया। सिंचाई, मैं सिंचाई मंत्री होने के नाते दुनिया में वही देश तरक्की करते हैं जिनके सिंचाई के संसाधन अच्छे होते हैं। योगी सरकार ने, माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सिंचाई पर विशेष बजट देने का काम किया। यही कारण है आज उत्तर प्रदेश सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के नाते पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर आ गया है। बंधु, उत्तर प्रदेश में पहली बार 20,000 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की स्थापना की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वन ड्राप मोर ग्राफ, एक बूंद से अधिक फसल का उत्पादन, इजराइल पद्धति उत्तर प्रदेश में लागू हो। इसके लिए हमने किसानों का 1 लाख कर्जा योगी सरकार ने माफ किया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति उत्तर प्रदेश में लागू कर दी। इसमें सीमांत और लघु सीमांत किसान को 90% का अनुदान और सभी बड़े किसानों को 80% का अनुदान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज तक और अभी अपने देश में कृत्रिम बरसात नहीं हुई, योगी सरकार की ये पहली उपलब्धि है। चाइना के पास ये पद्धति थी, अब उत्तर प्रदेश में डिमॉन्स्ट्रेशन मानी योगी आदित्यनाथ जी ने देख लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी पानी का, देश में वैसे पानी का अभाव है। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको थोड़ा सावधान भी करना चाहता हूँ, पानी को बचाएं, कम प्रयोग करें, क्योंकि जमीन के अंदर पानी रह नहीं गया है। 2020 में पानी दिल्ली में खत्म हो जाएगा, 2020 में पानी बंगलौर में खत्म हो जाएगा। इसलिए ग्राउंड वाटर को सुरक्षित करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृत्रिम बरसात की व्यवस्था कर ली है और ये व्यवस्था हम 2 जनपदों में अभी करेंगे। मई, ये जो बुंदेलखंड का जिला है महोबा, वहाँ पानी का अभाव है, और विंध्याचल में मिर्जापुर, जहाँ पानी का अभाव है। तो इस तरीके से योगी सरकार ने कुछ अभिनव कार्य उत्तर प्रदेश में किए हैं जिनको मैंने नटसैल में आपके सामने रखने का काम किया है। माननीय मोदी जी के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 2019 में पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। और बंधुओं, मैं इस पावन अवसर पर एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। देश में 600 वर्ष मुगल शासन काल रहा, 200 वर्ष ब्रिटानी हुकूमत रही, इसमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और व्यवस्था को बदलने का काम किया गया। मैं मुगल शासन काल का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मुगल तलवारों की धार पर धर्म का परिवर्तन करा रहे थे, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करते थे, तब गुरु गोविंद सिंह का एक उदाहरण देकर उनके बेटों को जिंदा दीवान में चुराए जाने लगा। जब बड़ा बेटा और बड़ा बड़ा था, छोटा छोटा था, जब दीवान जिंदा चुनने पर छोटे की गर्दन तक आ गई, बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा कि भैया, क्या तुम मरने से डर रहे हो? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। बड़े ने कहा, नहीं, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं,
मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरी आंख में इसलिए आंसू आ गए कि मैं पहले आया था, मुझे पहले जाना चाहिए था। तुम बाद में आए थे, तुम्हें बाद में जाना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि आप पहले जा रहे हो, तुम्हारी मृत्यु पहले हो रही है। तो हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश के संस्कारों के लिए महान पुरुषों ने जो योगदान दिया है, आज उसकी झलक हमने पुलिस ग्राउंड गोरखपुर में देखी है। मैं पुनः आप सभी को बधाई और धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। माननीय को पकड़ लिया उन्होंने, श्री प्रमोद को गोलियों के गंभीर घाव आवश्यक कार्य से जा रही थी कि लगभग 6:30 बजे माता जी के हार्ट अटैक होने के कारण ये आ नहीं पाए। इनका गोर का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। पहले दौरे के लेफ्टिनेंट कमांडर्स ने अपने कमांडर को थैंक्स दिया। Peace.
और जोश और जुनून लिटिल फ्लावर गीता भट्टा की बच्चियां और फिर पुलिस परिवार की बच्ची नैनिका तिवारी, उसके बाद ए जी गर्ल्स इंटर कॉलेज की बच्चियां लिटिल फ्लावर एसपी सर, एसपी आज नीचे करवाऊ, तैयार रहेंगे। चलो ठीक ठीक इसके बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, वो एसपी ऑफिस सर को दे दिया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का मैं जनपद पुलिस की ओर से विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर जनपद पुलिस और जनपद को आशीर्वचन प्रदान किए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनपद की पुलिस अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों पर शिकंजा कसने में किसी भी कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। जय हिंद, जय भारत। जनपद गोरखपुर के वासियों को और उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को गणतंत्र दिवस की हम शुभकामनाएं देते हैं। देश का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और सच में उत्तर प्रदेश के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, विकास और सुरक्षा। योगी सरकार विकास और सुरक्षा में आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज गणतंत्र दिवस की परेड पर आप लोगों ने भी देखा, हमने देखा, सभी ने देखा, जनपद गोरखपुर के बहादुर पुलिस कर्मियों के द्वारा एक अच्छा प्रदर्शन किया गया और कुछ ऐसे निरोधात्मक कार्य जो समाज को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे बहादुर पुलिस कर्मियों ने उन्हें कुछ को जेल पहुंचाने का काम किया है, कुछ को रोकने का काम किया है। तो आज मैं अपने पुलिस परेड में मैंने अपने पुलिस अधिकारियों को उनके अच्छे शौर्य के कार्य को प्रशंसा की है, बधाई भी दी है। और गोरखपुर जनपद स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा इन बातों में आगे बढ़ रहा है, सांस्कृतिक विरासत की धरोहर के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरा सीधा मानना है जहां से राजाओं का राज समाप्त होता है वहाँ से योगी राज प्रारंभ होता है। आज हम सबका सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गणतंत्र दिवस पर मंडलायुक्त ने अपने कार्यालय पर झंडा फहराया और उपस्थित कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सभागार में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य कर्मचारी और स्कूली छात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्रों एवं कर्मचारियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। Thank you.
सभी लोग दोहराइएगा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। ये उद्देश्य द्वारा एक संक्षिप्त और अगर इस कविता के माध्यम से दो चार कदम भी देश आगे बढ़ लेगा तो मेरा काफी बार सफल होगा और आप लोगों का सुनना भी सार्थक होगा। बताते हैं अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पर्वतन आज उनके नाम करता हूँ, दो पर्वतन आज उनके नाम करता हूँ, जो सड़क नाले साफ कर दिने मैं सलाम करता हूँ। पर जनाब विनम्रता देखिए इस देश की, घिन आती है लोगों को जिनसे जमाना जिन्हें धिक्कारता है, पर वही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाले हैं, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। पर जब भी हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एक अलग ही जवाब हमारे रगों में लगता है। हम यहाँ तक भी बोल देते हैं कि वक्त पड़ने पर सरहद के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, बेशक हम ऐसा कर सकते हैं। पर जब भी मैं किसी सड़क के किनारे किसी ढेर को देखता हूँ, अक्सर मुझे लगता है कि ये ढेर इस डाले के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। यूं तो हम सब सरहद पर पॉलिश दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और यह ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दाग गिने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भारत वंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकोड़ने लगते हैं कागज का टुकड़ा उठाने में। तब सोचता हूँ ये दौर ऐसा कर लेगा क्या सचमुच अपने आतंक में वसुंधरा अंबर लेगा, और स्वच्छता से महती है तो राज तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू उठा ना पाए संगीन कैसे चलाएंगे। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पर जाने। ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी
भारतीय जनता पार्टी के जिला समन्वय समिति की बैठक प्रदेश सिंचाई व यांत्रिकी मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद कमलेश पासवान, विधायक फतेह बहादुर सिंह, संत प्रसाद, विपिन सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर विमलेश पासवान के अलावा समन्वय समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने किया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पार्टी द्वारा जारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की रणनीति तैयार की गई और उसके संचालन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। तीस तारीख को कुशीनगर चलना है सबको। हाँ, 30 तारीख को। हाँ, कितने बजे है? अशोक सिंह जी नहीं आए हैं? नहीं आए। सीता जी कहाँ हैं? बाहर। हम सब के बीच के उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री और गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी, गोरखपुर डॉक्टर विमलेश पासवान जी, निषाद जी, क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री शिवसागर तिवारी जी और गोरखपुर जिले के महामंत्री द्वारा श्री निरंकार झपटे जी और दिवस के पावन बेला पर आप सभी गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आज की बैठक में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी है उसके तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संगठन की हमारी कार्य योजना जो है अभी 29 तारीख को आपकी ही है परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम है जिसे माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी दिल्ली में से उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा संगठन का निर्देश है कि हर जनप्रतिनिधि कार्यकर्तागण गणमान्य व्यक्तियों को जो ये आमंत्रित करना एक स्थान पर इकट्ठा करके और माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनना और नमो ऐप के माध्यम से अगर कोई उनसे सीधी बात भी करना चाहता है तो बात भी कर पाएगा ऐसा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ। 30 तारीख को गोरखपुर लोकसभा, बांसगांव लोकसभा, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जनपद क्षेत्र दो सेक्टर के प्रभारी हैं, सेक्टर संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का एक एकत्रीकरण कुशीनगर जनपद से पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को भी उस कार्यक्रम में रहना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपीसीटी विनय कुमार सिंह व सीओ कोतवाली वीपी सिंह के निर्देशन में कोतवाली गोरखपुर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेंडिंग विवेचना, शांति व्यवस्था व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के मामूर होने के दौरान दो अलग अलग जगहों से 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से 7 दोपहिया वाहन बरामद किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह और एसपीसीटी विनय कुमार सिंह ने कहा ये कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चोरी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था।
इसी क्रम में सीओ कोतवाली के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर कोतवाली उनकी टीम ने तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो भिन्न भिन्न तिथियों में शहर के थानों चुराई गई थी और 5 गाड़ियाँ पाले से चोरी हैं। इनका मुकदमा लिखा जा चुका है। ये गाड़ी खुराबार से चोरी हुई है, 3 कोतवाली की है, 1 राजघाट से चोरी हुई है। तिवारीपुर की नहीं, ये पहली बार प्रकाश में आए हैं और ये इनसे पूछताछ से यह तथ्य ज्ञात हुआ है कि मतलब ये अभी अभ्यस्त अपराधी नहीं है, फर्स्ट अफेंडर है। इन्होंने पहली बार प्रयास किया था लेकिन ये काफ़ी शातिर चोर हो गए थे। इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर कुल 6 गाड़ियां चुराई हैं शहर से। कोतवाली में कल 4 लोग पकड़े गए हैं जो 2 मोटरसाइकिल चोरी की लेकर के जा रहे थे बेचने के लिए, तो 4 पकड़े गए हैं। और इसके उसी दिन जो है दूसरी जगह से 5 लोग पकड़े, 3 लोग पकड़े गए थे, तो कुल अब तक 7 मोटरसाइकिलें थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में पूरी टीम ने बरामद किया है। और ये भी पहली बार ही प्रकाश में आए हैं, चोरी के मामलों में 1-2 बार जेल जा चुके हैं। हाँ, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, दोनों के मुकदमे लिखे हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं, अन्य थानों से संबंधित मोटरसाइकिलें हैं। पूछताछ से पता चला है कि उसमें से एक अपराधी पहले से जेल जा चुका है, चोर है, वो मोटरसाइकिल भी उठाता है, नकबजनी वगैरह का भी काम करता है। 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद जिलाधिकारी ने कार्यालय परिसर में उपस्थित हुए सभी अधिकारी, देश के आज़ादी में शहीद परिवारों के सदस्यों, कर्मचारी और नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं और दृष्टिबाधित छात्रों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने इस दौरान देश की आज़ादी और गणतंत्र का अर्थ बताया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं और नागरिक मौजूद रहे। और फिर राष्ट्रीय एकता का संकल्प दोहराया जाएगा और फिर तदुपरांत जो आज के विधिवत कार्यक्रम है इसी परिसर में आयोजित होंगे। जिला प्रशासन के सब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सबके समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान
सभा में हित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत अभूतपूर्व अवसर है जब हम सब इसको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। और आज जिस प्रकार से इस देश में हम लगातार विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संविधान के अनुरोध कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, ये सब साथियों, कलेक्ट्रेट
परिवार का सभी सदस्यगण यहाँ आए हुए हैं, बच्चों, मीडिया साथियों, सबको कार्यक्रम पर स्वागत करता हूँ। 70 वर्ष हम लोग गुजर चुके हैं लोकतंत्र होने के बाद। हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, इस पे गर्व होना चाहिए था। ताकि कितने देश जो आपका इतिहास में थोड़ा पलट के पीछे जाने चाहता हूँ, देखने चाहता हूँ, ये जो आज़ादी की लड़ाई, वो जो हम लोग के सामने जो बच्चे भी पेश किए 1857 से लेके लगातार 150 साल 200 साल के बाद हम लोग को आज़ादी मिली है लगातार लड़ने के बाद। उस समय से 150 साल 200 साल हम लोग एक ही चीज़ का लड़ाई था, लोकतंत्र होने का। ताकि हम देख चुके हैं भारत में कितने भी लोग रूट लेने के लिए आते थे, सत्ता करने के लिए आते थे। 200 साल तो अंग्रेजी ने सत्ता किया, उसके पहले मुगल राज ने सत्ता किया, उसके पहले विभिन्न छोटे छोटे राज लोग अफगान से इधर से उधर से राज किए। उसके पहले ये पलट के देखेंगे हम लोग इंडस वैली में और कैसे कैसे रहे हैं, वो हमेशा हम लोग लोकतंत्र मुल्क रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग आज़ादी के बाद ये फिर लौट के फिर हम लोग लोकतंत्र बनाने के लिए बहुत लोग प्रयास किए। उस समय में जो सरकार के सामने बहुत सारे ऑप्शन थी, ताकि आसपास उस समय में चीन था, रशिया का रेवोल्यूशन चल रहा था, एक विकल्प है वो चीन जैसे रशिया जैसे हो जाएगा तो फिर देश बहुत तेजी से बढ़ जाता है आगे, ताकि निर्णय लेना बहुत आसानी होता है। 5-5 साल तो सरकार पलटने के कोई मतलब नहीं रहता है, 50 साल 100 साल एक ही सत्ता में रहते हैं, फिर तो बहुत तेजी से जो भी चाहता है जो सत्ता में आदमी उसी हिसाब से विकास हो जाता है। बट बहुत सोच विचार के बाद सभी लोग एक ही मत से तय किए हम लोग तेजी विकास से बहुत ज़रूरी है आज़ादी, वो भी जो जनता का सहभागिता है, बिना उसका जो सरकार बनता है और जनता सरकार का बीच में समन्वय नहीं है तो फिर वो सरकार सरकार मतलब नहीं था। उसके बाद सोच विचार करके बाद फिर भीमराव अंबेडकर जी ने आज जो तिथि हम मना रहे हैं, 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे बनाया है 395 धाराएं उसके अंदर एक एक गिने चुने तमाम देश से लेके हम लोग का दिए हैं। इसमें तमाम प्रोविजन है, कहीं जापान से लिए हैं, अंग्रेज मतलब यूएस से लिए, यूके से लिए, तमाम देश से जो बेहतर उस समय का था उसी के हिसाब से बनाया है। इसलिए इतने साल के बाद भी हम लोग मजबूत है, आगे बढ़ रहे हैं। बट साथ साथ इस पर हम लोग भूल जाते हैं, इस पर हम लोग तो तैयारी के समय बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इस संविधान के बारे में, कितने धाराएँ क्या चीज़ है। कुछ धाराएँ बहुत प्रसिद्धि हैं, वैसे जो मान लीजिए हम लोग का जो गणतंत्र करते हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति जी और जो कितने लोग, उन लोगों को कैसे चुनना है, कैसे सत्ता में आना है, और उसके बाद संशोधन के बाद जो पंचायती राज चालू हुआ है, प्रधानी चुनाव है, प्रधान के नीचे कौन कौन रहते हैं, प्रधान का क्या अधिकार है, फिर यहाँ का मेयर साहब है और नगरी लोकतंत्र का जो संगठन है उस पर कौन कौन है, सारे चीज़ उसी पे है। वो एक तरफ भगवद गीता माने, बाइबल माने, कुरान माने, वही हम देश का एक ही एक पुनीत किताब है, उसी के हिसाब से हम लोग का चलता है। उस पर तब सभी लोग पूछे थे भीमराव अम्बेडकर जी से, ये आपका जो आपने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, इस पर जो कौन सी चीज़ आप बहुत पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगता है जो हम लोग का संविधान पर, उन्हें एक ही भाषा में बताया तो मैं तो धारा 32 है उसको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, वो हम लोग का मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार का कोई अहित होता है तो तुरंत हम लोग रिट के जरिए से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर पूछे थे इसमें क्या खूबी है, तो फिर ठीक है मूलभूत अधिकार तो है ही है, वो देखिए जो किसी भी देश में ऐसे नहीं है, सीधे सीधे एक आम नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँच करके अपने बात रख सकते हैं, ताकि वो सरकार का एक अंगूस लगाने के लिए एक वो धारा है, उसी के अंदर मान लीजिए जो भी आदमी अहित होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का सामने होकर के अपने आधार को क्लेम कर सकता है। ये बड़ा कहीं किसी भी देश में नहीं है ये खूब।
और मैं बस आपको आपके साथियों आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये भी है कहानी है जो एक दिन तो पूछे थे जवाहरलाल नेहरू जी से पत्रकार लोग ये जो आप यहाँ भी जो नाटक नेत्रकला कितने हुआ है उसी पे बार बार हम जिक्र करते हैं भारत माता की जी, भारत माता तो जब भारत माता क्या मतलब है, भारत माता क्या है, कोई भगवान है, कोई मूर्ति है, कोई पूजा करने की चीज़ है, क्या चीज़ है नास्के पता है। भारत माता मतलब ठीक है जमीन भी है मिट्टी भी है, उससे बड़ा है हम लोग हैं, नागरिक नागरिक एक देश नागरिक से बनता है, नागरिक कैसे हैं, नागरिक का हैसियत कैसे है उसी हिसाब से उसी देश का सम्मान मिलता है मान मिलता है। एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, तब हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हुए उस समय में हम लोग का और अमेरिका का डॉलर का रेट बराबर था, यानी भारत का एक रुपया अंग्रेजी का एक डॉलर का बराबर था, आज एक रुपया हमारा मतलब उनका यूएस का एक डॉलर है, हम लोग का बराबर 70 रुपया का उससे ऊपर है, 72 रुपया के आसपास है। वजह क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग पूरे इंटरनेशनल दौड़ पे कहीं पीछे रह गए, उसका तमाम कारण हो सकता है। एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, देखिए हमेशा हम लोग अधिकार के बारे में और दूसरा का उंगली दिखाते रहते हैं, ये कमी है वो कमी है, वो कभी भी पलट के नहीं देखते हमें क्या करना है देश के लिए, हमें पूछते हैं हमेशा तो फिर देश हमें के लिए क्या थी क्या दिया तो हम वापस देश के लिए क्या कराना है। ये मूलभूत अधिकार के साथ साथ मूलभूत कर्तव्य भी है उसे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भूल जाते हैं कर्तव्य क्या है, कर्तव्य में यही चीज़ है देश का देश भावना का मान सम्मान करना है, तमाम 7-8 उस पर बिंदु है, उससे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में बांधता हूँ जो स्ट्राइव टू अचीव एक्सलेंस इन एवरी फील्ड, यानी जो आदमी कर्म तरीक से जो काम करता है वो भी इनका मूलभूत ड्यूटी में आ जाता है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद नगर निगम के सदन हॉल में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में शनिवार को एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में महापौर ने संविधान के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम दो त्यौहार मनाते हैं, एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी टीम द्वारा 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान की रचना की गई थी। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, महाप्रबंधक जलकर प्रमोद गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी, तेज प्रताप सिंह, जितेंद्र सैनी सहित नगर निगम के पार्षद अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है। रिपब्लिक डे है क्या, इसको हम लोग क्यों मनाते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। आज रिपब्लिक डे के अवसर पर हम लोगों के बीच में हमारे अपर आयुक्त महोदय, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे कर्मचारी बंधु, बच्चियाँ, शिक्षक, सभी लोग, पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्र यह स्तर पर हम दो त्यौहार मनाते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। 26 जनवरी 1950 को भीमराव अम्बेडकर और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद और उनकी टीम द्वारा 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान की रचना की गई थी। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा में संसद में इसे पूर्णतः मान्यता दी गई। संविधान है क्या, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे अच्छी तरह से इसका अध्ययन करते होंगे जानते होंगे, और आम बच्चे भी स्कूलों में इस चीज पढ़ाया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब अपना देश आजाद हुआ
तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि देश कैसे चलेगा। किसी भी देश के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। एक सबसे बड़ा होता है कि यहाँ का कोई प्रधान होना चाहिए पूरे देश का, और एक होता है कि यहाँ का एक संविधान होना चाहिए, और एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसका राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तो हमारा संविधान, जो संविधान सभा में पारित हुआ, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को मान्यता मिली, और तीसरे राष्ट्रीय ध्वज को भी हम लोगों ने स्वीकार किया है। ये चीजें हमें ऐसे ही नहीं मिली, मुफ्त में नहीं मिली, कोई गिफ्ट नहीं मिला। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया, और 200 शासन इतनी लंबी, इतने बुद्धिजीवी, इतने विद्वान, इतने समृद्धशाली भारत में कैसे 200 साल तक राज किया, इसके बारे में जानना जरूरी है। अभी संचालक हमारे बता रहे थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक भारतीयों को गुलाम बना करके रखा। आज के दिन चिंतन करने का चीज है कि आज भी देश के अंदर इस मानसिकता को हम समाप्त नहीं कर पाए। आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा संकट है, इसको हर बुद्धिजीवी को इसको तोड़ना पड़ेगा। हमने आज संविधान को इंकार किया है और शपथ ली है और प्रतिज्ञा किया है कि संविधान के मूल भावना को हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे, ये शपथ लिया है। जिला कारागार गोरखपुर में 8 कैदियों जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी लेकिन अर्थदंड जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें गणतंत्र दिवस पर रिहा किया गया। इन कैदियों का अर्थदंड शहर के व्यापारियों ने जमा किया है। हत्या सहित विभिन्न मामले में उम्र कैद की आधी से ज़्यादा सजा काट रहे 3 कैदियों के अच्छे चाल चलन को देखते हुए जेल प्रशासन ने उनकी समय पूर्व रिहाई का आवेदन किया था। उम्मीद थी कि तीनों की रिहाई हो जाएगी, पर 25 जनवरी की शाम तक रिहाई की सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके अलावा जेल में बंद ऐसे 8 कैदी जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी पर वे अर्थदंड नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए जेल प्रशासन ने शहर के व्यापारियों को अर्थदंड देने के लिए तैयार किया। 26 जनवरी को इन बंदियों की रिहाई हुई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में जेल प्रशासन और व्यापारियों ने रिहा हुए कैदियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और गीता की पुस्तक देकर उन्हें बुरे काम छोड़कर अच्छे कार्यों को करने के लिए शपथ दिलाई और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए 500 रुपये का योगदान भी दिया। रिहा होने वाले कैदियों में ओमकार मौर्य पुत्र परशुराम निवासी नवनी थाना सैजनवा, सोनू पुत्र दयाराम निवासी बरवा थाना रुदौली जिला बस्ती, संतोष अवस्थी पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर अवस्थी निवासी झंझर विश्व सीतापुर, दिलीप पुत्र दुखी शाह निवासी नरईपुर थाना पटखौली जिला पश्चिमी चंपारण, राहुल यादव पुत्र राजपली निवासी सिहोरावा थाना चिलुआताल गोरखपुर, फिरोज पुत्र अहमद निवासी मुंडेरवा थाना तरकुल्हा जिला देवरिया, वीरेंद्र रैदास पुत्र शंकर रैदास निवासी हनुमानगढ़ी राजघाट गोरखपुर, शरण सोनकर पुत्र सुंदर सोनकर निवासी टीपी नगर राजघाट गोरखपुर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, अधिकारियों को अपनी ओर से जेल के सभी अधिकारियों की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जो है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हम सब ने एक सम्मान भी दिया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, जो है माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं भाई संजय सिंघानिया जी, जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामधनी जी को माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। देखो किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं, सामान्य जीवन जिए आप लोग जो है। क्या राप्ती कॉम्प्लेक्स के ध्वजारोहण समारोह में
जब मैं कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने 16 ऐसे कैदी और यह नाम हमारे पास प्रस्ताव भेज दे, जो भी खर्च आएगा राप्ती नगर राप्ती कॉम्प्लेक्स। मैं अधीक्षक महोदय से चाहूंगा उसकी सूची जो है आप उपलब्ध करा दें, वो सहयोग पूरा पूरा होगा। मैं बोलिए, कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि आज रिहाई के बाद कभी भी कानून के विरुद्ध कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ कि विधि का, कानून का पूरा पूरा पालन करूंगा और एक अच्छा नागरिक बनके समाज की सेवा करूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। बस धन्यवाद। आज इस जनपद कारागार के प्रांगण में उपस्थित मंचा सिंह, हमारे समस्त सम्मानित व्यापारी साथी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, उनकी पूरी टीम, मीडिया बंधु और ये हमारे सामने बैठे आज के दिन रिहा हुए इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं, आज का ये कार्यक्रम हमारे गोरखपुर के जो हमारा व्यापार संगठन है, अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हो रही थी उसमें हम और वरिष्ठ जेल अधीक्षक जी हम लोग बैठे थे, चर्चा हुई। आपने एक प्रस्ताव रखा कि एक परंपरा सी चली आ रही है और हमारे व्यापारी बंधु, हमारे व्यापारी भाई लोग अक्सर इस तरह का सहयोग करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, तो क्यों ना, क्योंकि आज हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। इस राष्ट्रीय पर्व जो पूरा देश, पूरे भारत के लोग पूरे विश्व में मना रहे हैं, आज के दिन क्यों ना ऐसे बंदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम जो उन पर सजा के साथ साथ जुर्माना भी जो आरोपित किया गया है, जुर्माने की रकम जमा न करने की वजह से उनकी सजा और भी, सजा के और भी दिन बाकी हैं। अगर वो रकम जमा कर दी जाए तो उनको मुक्त किया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। व्यापारी भाइयों, आप सभी जानते हैं, आप लोग जैसे अभी पांडे जी बता रहे थे, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई भी बात हो, आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके लिए जोरदार आपने लिए भी आप ताली बजाइए, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसी कड़ी में ये आज एक कार्यक्रम है, ये कोई न शुरुआत है आपका इस तरह के सहयोग का, नहीं अंत है। आप पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और प्रशासन का आप लोगों ने हमेशा सहयोग किया है, सकारात्मक सहयोग किया है। बिना आप लोगों के सहयोग के, चाहे वो आपदा हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसको प्रशासन भी जो है नहीं करा पाता है। आप लोग हमेशा सहयोगी रहते हैं, सहयोग की भूमिका अदा करते रहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस अभी जैसे पांडे जी ने आप लोगों को शपथ दिलाई है, आप लोगों ने कुछ न कुछ क्राइम किया था, मैं पढ़ रहा था, बहुत लंबी सजा नहीं आप लोग झेले हैं, लेकिन देखिए क्राइम क्राइम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपराध अपराध होता है। अभी पांडे जी आप लोगों को देश की विधि और कानून व्यवस्था की शपथ दिला रहे थे कि उसके प्रति आप लोग समर्पित रहेंगे, उसका सम्मान करेंगे, भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, ताकि ये जिस दरवाजे पर यार बैठे हैं आपको इसके अंदर जाना पड़े, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपराध करें और इसके अंदर जाएं, क्योंकि बंधन बंधन होता है, चाहे किसी भी तरह का। अंदर आपको तमाम सुविधाएं अगर दे भी जाएं, लेकिन ये बंधन है तो बंधन है। आज आप एक तरह से आज़ाद हो गए हैं,
इस बंधन से मुक्त हो गए। अभी आप लोगों को आपका परिवार भी इंतजार कर रहा होगा, आपको बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी, आपसे ज़्यादा आपके परिवार के लोगों को हो रही होगी। और इस खुशी में आपके भागीदारी आपके इस गोरखपुर के व्यापारी भाई हैं, उनको सहृदय आप धन्यवाद करिए। आगे इन फ्यूचर भविष्य में आप नेक कार्य करिए, राष्ट्र में योगदान करिए, समाज में योगदान करिए। और जो भी आपसे भी जुड़े हुए लोग हैं उनको बताइए कि जेल के अंदर सजा काटना कितनी कठिन स्थिति है, कितनी कठिनाई होती है, इसलिए वो भी क्राइम ना करें, उनको भी प्रेरित करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आपके आगे वाले भविष्य में जो भी आप उन्नत कार्य करें इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी संभ्रांत व्यापारी बंधु, आज इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमारे समक्ष मीडिया बंधु भी हैं और बंदी जो रिहा हो गए वो सभी हैं, सभी को हमारी तरफ से बधाई और शुभकामना। एक दिन मीटिंग थी, 26 जनवरी की ही मीटिंग थी, मैं छोटा सा, आप लोगों ने सारी बात तो कही थी, तो मैं भी बैठा था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, तो मीटिंग में ये बात मन में आई हमारे, आप लोगों को देख करके मुझे लगा कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कैदियों के लिए भी मैंने सोचा कुछ कल्याण के कार्य हो सकते हैं, तो मैंने प्रस्ताव रखा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है सहमत हो गए, तुरंत उन्होंने कहा नहीं नहीं अच्छा कार्य है, तो सभी के समक्ष रखा गया आप लोग एकमत से, मैंने देखा शहर स्वीकार कर लिए, और इतना अच्छा ये सामाजिक कार्य और पुनीत कार्य आप लोगों ने किया है, ये बधाई के पात्र हैं, और ये आठ कैदी आप लोगों ने इन लोगों को संकल्प दिलाया है कि ये भी अपराध को छोड़ दें, अब मैं यही कहूँगा समाज में अपने स्थान बनाएं, समाज में अनुशासन, नैतिकता, प्रेम भाव से रहना, इस तरह के जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उसको स्थापित करें, जिससे कि समाज हमारा मजबूत हो, इससे हमारा देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि दो लाइन में कहूँगा कि खुदी को कर बुलंद अपना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप लोग जब तक जो है समाज में जा करके अच्छा कार्य नहीं करेंगे, खुद अनुभव करिए कि गलत कार्य है, अपने आप दिखाई देता है कि गलत कार्य है। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं पढ़े लिखे फिर भी लगता है कि गलत कार्य है, उसको मत करिए। जो अपने को बुरा लग रहा है वो समझ लीजिए कि अपराध है। दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखिए, ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है, तो मैं यही चाहूँगा कि आज इस राष्ट्रीय पर्व पर आप लोगों के लिए हमारे सभी जनपद के व्यापारी भाई सहयोग किए, आपका जुर्माना जमा किए, जो कि इनका कार्य नहीं था, लेकिन नहीं, इनके मन में क्या था, कल्याण की भावना थी, आपके प्रति अच्छी संवेदना थी, जिससे सभी सहमत होकर के आप लोगों को छुड़वाए। इसके अलावा भी देखिए, अभी आई तो आठ छूटे हैं, आप लोग 16 और कैदियों को छोड़ने के लिए आश्वासन भी दिया, तो ये भी बड़ी बात है। तो जिले में आप लोग हमेशा सहयोग देने का आश्वासन भी दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपने जनपद का नाम जो है करते रहें, विकास करें, और हमारी बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद।
अभी भी हल्का जिला का नगर आ जाए ऊपर ऊपर आ जाए सब नहीं ये तो सज़ा अपनी पूरी कर चुके थे लेकिन जो जुर्माना भी लगा था सज़ा के साथ साथ उसकी रकम ये अदा नहीं कर पा रहे थे इससे इनकी जो अतिरिक्त सज़ा बढ़ गई थी। तभी पिछले मीटिंग में हमारे जितने भी व्यापारी संगठन के पदाधिकारी लोग थे उनके साथ मीटिंग हो रही थी तो उसमें वरिष्ठ जेल अधीक्षक जनपद गोरखपुर के जो उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसको सभी व्यापारी संगठन के जो सम्मानित प्रतिनिधिगण ने उन्हें मान लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने जो जुर्माने की धनराशि थी उसको जमा कर दिया जिससे आज 26 जनवरी के दिन इन लोगों को जो है रिहा कर दिया गया और जो अतिरिक्त सज़ा काट रहे थे उससे ये लोग मुक्त हो गए और ये आज अपने सब घर चले गए खुशी खुशी घर गए। और मैं इसके लिए सभी जितने भी व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के सामाजिक कार्य में ये लोग सहयोग करते हैं आगे भी सहयोग करते रहेंगे। और आज एक तो मैसेज भी दिया गया इन व्यापारी भाइयों के द्वारा इन लोगों को जो जा रहे थे घर कि भविष्य में इस तरह का ये लोग अपराध ना करें कि इन लोगों को जेल की सज़ा काटनी पड़े। सर आपकी कंपनी के भी व्यापारियों ने पूरे गोरखपुर जिले के लोगों ने मिलकर के 8 कैदियों को छुड़ाने का काम किया है। हम लोग राप्ती कांग्रेस की तरफ से घोषणा आपके सहयोग से करना चाहते हैं कि 16 कैदियों का जो बकाया होगा हम लोग खुद चंदा इकट्ठा करके उनको छुड़ाने का कार्य करेंगे। आप उस सहमत हैं? नहीं हम लोग तुरंत कंटिन्यूस कर रहे हैं ना। अगर आज किसी ने किया वो प्रेरणा हमारे लिए बनते हैं तो हम लोग लिस्ट ले करके मेरा काम है वो लिस्ट में मंगा लूंगा 16 कैदियों को हम लोग छुड़वाने का काम करेंगे। आज एक उपाय करते हैं उसमें कुछ गरीब ऐसे बंदी हैं जो कि सज़ा पूरी करने के बाद केवल जुर्माने की रकम अदा न करने पे अतिरिक्त सज़ा काट रहे हैं तो व्यापारी संगठनों का एक सकारात्मक प्रयास है ये सकारात्मक सहयोग है खास करके इनके परिवार के लोगों के लिए जो कि सज़ा काटने के बाद भी केवल जुर्माने की रकम न अदा करने पे सज़ा काट रहे हैं। अगर इस तरह का सहयोग करते हैं और वो जो कैदी रिहा हो रहे हैं अगर वो अपने आगे के जीवन में सही कार्य करें तो ये बहुत अच्छी बात है। व्यापारियों ने बैठक करके 16 कैदियों को छुड़ाने के लिए आप लोगों से सहयोग मांगा। ऐसे कैदी जो गरीब हों निरीह हों जिनके परिवार के लोग उनका जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे हैं ऐसे कैदियों की हम सूची तैयार करेंगे आप लोगों को देंगे उसके बाद आप लोग जुर्माना जमा करेंगे रिहाई की जाएगी। एक अच्छा कार्य है और कैदियों के कल्याण के लिए है एक सामाजिक कार्य है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा किया परेड का निरीक्षण लिया मार्च पास्ट की सलामी कहा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है गोरखपुर। गणतंत्र दिवस पर कमिश्नर ने अपने कार्यालय पर फहराया झंडा लोगों को दिलाई देश की एकता और अखंडता की शपथ। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक पार्टी के द्वारा जारी कार्यक्रमों के सफल आयोजन की तैयार की गई रणनीति दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कोतवाली पुलिस ने 7 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार चोरी की 7 बाइक भी की बरामद एसपी सिटी और सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। 17वें गणतंत्र दिवस पर डीएम ने किया ध्वजारोहण देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा शपथ दिलाकर गणतंत्र का बताया महत्व। राष्ट्रपर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत महापौर के अध्यक्षता में आयोजित हुई सभा नगर निगम के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कारागार से अर्थदंड नहीं जमा करने वाले 8 कैदी का अर्थदंड शहर के व्यापारियों ने किया जमा हुई रिहाई। क्षेत्राधिकारी कैंट कार्यालय का एडीजी ने किया उद्घाटन कहा कार्यालय का जोड़दार होने कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता में होगी वृद्धि। महिला कल्याण संगठन ने रेलवे अस्पताल में किया वाई पैप मशीन का उद्घाटन मौजूद रहे रेलवे के आला अधिकारी और चिकित्सक। लेक्चरर ऑन वोमेन हेल्थ इश्यूज के माध्यम से डॉक्टर श्रुति बोत्रे ने महिला आरक्षियों को दी हेल्थ एडवाइस कहा अपने सेहत का रखें विशेष ध्यान। रोटरी क्लब और ऐश्वर्या ने मनाया गणतंत्र उत्सव निकाली भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रध्वज फहराकर श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्र पर्व पर एनसीसी कैडेटों ने दी सलामी छात्राओं ने गाया देशभक्ति गीत।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने निकाली वीर सपूतों और वीरांगनाओं की वेशभूषा में मनमोहक झांकी, नागरिकों ने बरसाए फूल। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रगति की झांकी को विकास उप आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अरकम सी ट्रेवल्स आर ए खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें। और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमु बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, वो चाहता है, समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था? अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा? हाँ किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो
मुंह अब बड़ी हो गई है ना, इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन दावा शेरपा, पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता और जिनकी प्रेरणा से कार्यालय का जीर्णोद्धार हुआ, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव समेत सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एडीजी दावा शेरपा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरीके से थाने, चौकी, क्षेत्राधिकारी कार्यालय का सुंदर होना चाहिए, जिससे कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ मन से कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, एक तरह से बैंक की ब्रांच बनाई है। सही काम कागज जबरदस्त ठीक रहता है, मतलब पालती मार के बैठी है डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग ड्राइक वाले। गोरखनाथ सिंह भी अच्छी हो गई। सब कर्मचारी भी आ गए भैया। देखिए, जो कार्यालय है, चाहे वो हमारे थाने चौकी हो या अभी आपने देखा कि क्षेत्राधिकारी कार्यालय का जो रिनोवेशन हो के लगभग नए दफ्तर बनाए हैं,
में स्वच्छ रहना एक अच्छी बात है और अभी तो देश भर में स्वच्छता के बारे में अभियान चल रहा है। साफ सफाई एक प्रमुख ऐसा विषय है जिसको चाहे अपने कार्यस्थल हो घर हो वहाँ आवश्यक है, उसी कड़ी में ये एक प्रयास भी है और मैं चाहूँगा कि बाकी थाने चौकी कार्यालय में भी इस प्रकार के प्रयास हों। थैंक यू। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षता अलका अग्रवाल ने ललित नारायण मिश्र चिकित्सालय में संगठन द्वारा पद्धति एवं आईसीयू वार्ड में उपयोगी वाईपैप मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल, अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश, महिला कल्याण संगठन के सदस्य मुख्य चिकित्सा निदेशक राकेश सक्सेना, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक लिखित पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्थित महिला आरटीसी में एएसपी रोहन प्रमोद पोत्रे की धर्मपत्नी डॉ. श्रुति पोत्रे ने महिला रिक्रूट आरक्षियों को वुमेन हेल्थ इश्यूज के संबंध में लेक्चर दिया
और उन्हें अपने सर्विस के दौरान हेल्थ पर भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। डॉक्टर बोत्रे ने महिला आरक्षियों को बताया कि ड्यूटी के दौरान दौड़ भाग की जिंदगी में अपने सेहत पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा समय निकालकर योगा करें और अपने फिटनेस पर विशेष ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर श्रुति बोत्रे ने कहा, हाँ जब जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि इनकी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई है और उसके अलावा इनकी पासिंग आउट परेड भी कल हो चुकी है, तो अब इनकी पोस्टिंग्स आ गई हैं तो ऑब्वियसली ये लोग जा रहे हैं, बट इनके इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी इनके पास अपने खुद के हेल्थ को ध्यान देने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं होता। तो मैंने इसलिए एक लेक्चर कंडक्ट किया है इन लोगों के लिए, जिसमें सारे विमेन हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, जैसे कि आप हाइजीन फैक्टर्स हो गए, सैनिटाइजेशन हो गए, देन सैनिटरी नैपकिन को लेकर इन लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। तो गायनी मेनली गायनी से रिलेटेड इशूज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश की है, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान इन लोगों किस तरीके की थोड़ा सा फॉलोअप डॉक्टर्स के साथ रखना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ये हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और थोड़ा सा ये वाली नॉलेज देने की हमने कोशिश की है इधर। यहाँ पे ये बताया गया बिकॉज ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन लोगों का यहाँ पे ड्रिल्स होती हैं, पीटी होती हैं, तो उससे उनकी फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन अभी तक मैं देखती आ रही हूँ सबकी मेंटेन है, बट जब ये काम में जब अपनी पोस्टिंग के लिए जाएंगे तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसके बारे में इनको रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए मैंने बताया। थोड़ा सा योगा भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, इनको योगा के लिए भी बताया। मतलब मैंने इनको ओवरऑल इतना बताया कि एटलीस्ट ये पूरे अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम अपने हेल्थ के प्रति दें, जिससे इनका बॉडी फिजिक, मैंने यहाँ पे इनसे सिर्फ शारीरिक हेल्थ की भी बात नहीं की है, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ और सामाजिक हेल्थ, तीनों हेल्थ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इनसे डिस्कस किया है, जिसके प्रति इनका काम कैसे अच्छा हो सकता है वो यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। तो काफी देखा जाए तो लड़कियाँ अनमैरिड थी, तो मैरिड के बाद भी क्या इनके पास सर्विस करेंगी तो किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है? सर्विस एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली हम देखा जाए तो पुलिस में इन लोगों को पुलिस की ट्रेनिंग दी गई है, पुलिस जैसी इतनी लाइक लेबोरियस फील्ड में ये लोग आ गए हैं कि लोग कम प्रेफर करते हैं कि ऐसी फीमेल से शादी करना, बट मैंने इनको बताया कि कैसे ये बैलेंस आउट करेंगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को, और उसको बैलेंस करते हुए ये अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी जानकारी देने की कोशिश की है मैंने। तो उन महिला आरक्षियों से या लड़कियों से कुछ कहना चाहेंगे अलग से? मैंने इनको एक थोड़ा मैंने ये बताया है इधर कि यहाँ पर इन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसमें इनके थ्योरी एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बाद ये कांस्टेबल्स की पोस्ट पर यहाँ पे नियुक्त की गई हैं, बट यहीं इनकी ज़िंदगी समाप्त नहीं होती है, इसके ऊपर चलकर ये देखें यहाँ पर कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स या फिर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स भी इनमें से कोई लोग निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर ये वाला हमने अभी इधर बात की है। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि डेफिनेटली इतना मोटिवेशन तो कर ही दें कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, इसके ऊपर बहुत ज़िंदगी अचीव करने के लिए बहुत कुछ है, तो इसीलिए मैंने इनसे ये वाली बातें की है। हो गई है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, PPS के एग्ज़ाम्स हो गए, तो मैंने इनको थोड़ा सा इस बारे में भी बात किया है यहाँ पर। थैंक यू। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने तथा लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करने की महत्वाकांक्षा के साथ रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा एक विशेष गणतंत्र उत्सव गोलघर स्थित इंदिरा तिराहे पर आयोजित किया गया। गुब्बारों तथा देश भक्तों के चित्रों से सजे शहर के हृदय बिंदु गोलघर देश भक्ति के रंग में डूब गया। देशभक्ति में ध्वनि पर हर हृदय में जोश की भावना भर रही थी। कार्यक्रम में SV डॉक्टर सुनील गुप्ता मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम में महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब और अशप्रा समूह द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में शहर को तिरंगे झंडे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तस्वीरों से सजाया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हमारे अध्यक्ष रोटेरियन HR जायसवाल जी, आज 26 जनवरी 2019 है, हमें पूरे 70 साल हो गए हैं गणतंत्र के रूप में, और एक बहुत बड़ी बात है और हम सब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि जनमानस
हम लोगों ने मिल करके अपने गणतंत्र को अभी तक संभाल के रखा है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, संपूर्ण गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर पुलिस, गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि हम पूरी तरह से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और आज बधाई संदेश में एक खास बात केवल यही है, जो हम हर साल प्रतिज्ञा लेते हैं उसी को इस साल भी हम आगे बढ़ाएं। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वही आज का संदेश है, आज के दिन का संदेश वही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अवसर की समानता और ये जितने भी हमारे संविधान के गुण हैं उसको आत्मसात करें, अंगीकृत करें, अधिनियमित करें और अपने आप को समर्पित करें अपने गणतंत्र के लिए। धन्यवाद। जैसे एक शाल पहना करके अपने मुख्य अतिथि को हमारी इन्हीं प्रिंसिपल, इन्हीं सिद्धांतों पे चलती है, ये फोर वेटेज सचिव रोटेरियन महावीर प्रसाद कटोई जी द्वारा, और अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि महोदय भी करते हैं
इस नगर के प्रथम नागरिक स्तुति के लिए राजकुमार शर्मा दीजिए सर। हेलो हेलो गंदरा बहा दिया तब भारत हुआ आजाद। कुर्बानी है शहीदों की ये मुल्क करता याद। लहू का गंदरा बहा दिया तब भारत हुआ आजाद। रोटरी क्लब यूं तो सेवा के लिए जाना जाता है। गोरखपुर में रोटरी क्लब एक प्रमुख स्थान है और इस गोलघर की इस ऐतिहासिक इंदिरा गांधी विहार चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक रोटरी क्लब के एचआर जसवाल जी, आजदा जी, एमपी कंदोई जी और सभी सम्मानित रोटरी क्लब से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाई बच्चे हमारे देश के वीर शहीदों ने स्वतंत्र भारत हमको दिया है। 1947 में जब आजाद हुआ देश तो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देश किस प्रणाली के अंतर्गत चलेगा, या राजतंत्र होगा या जनतंत्र होगा या और कोई तंत्र होगा। हमारे देश के मनुष्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना करके तैयार किया जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसमें दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत बना। इस विशाल देश में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, कुर्बानियों से मिली है। हम नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि उन वीर शहीदों का हम सम्मान करें और इस जनतंत्र को सुरक्षित रखें। रोटरी क्लब ने यह कार्यक्रम किया है। इस पावन अवसर पर मैं गोरखपुर के जनता की तरफ से रोटरी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी नागरिकों को के तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मान स्वरूप साल चाहेंगे भेंट कराना अपने मेयर मुख्य अतिथि को। सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार को अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कॉलेज के प्रधानाचार्य रेमी यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान एनसीसी की छात्राओं ने सलामी देकर राष्ट्र ध्वज का मान बढ़ाया। विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्र और देशभक्ति गीत गाकर आज़ादी के मायने को प्रस्तुत किया। बच्चों के बाल मन पर अपने राष्ट्रभक्त शहीदों और बुद्धिजीवी जनों के गुणों को सुदृढ़ करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्की बाग में शनिवार को राष्ट्रीय पर्व 17वां गणतंत्र दिवस श्रद्धा और उल्लास
उल्लास पूर्वक मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश राय, मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गोरक्ष प्रांत के सह प्रांत प्रचारक सुभाष, विशिष्ट अतिथि सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट शिव प्रकाश सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर छाया रानी सिंह, आचार्य शंभू शरण कुशवाहा सहित विद्यालय समिति के सदस्य पदाधिकारी सदस्य नागरिक और बाल बालिकाएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बलराम अग्रवाल और प्रबंध समिति के अध्यक्ष CP द्विवेदी ने कहा।
भारत में भी आजाद पैदा होते हैं। हर बालक में क्षमता है पूरा इतिहास बदलने की, अरे हर बालक में क्षमता है पूरा इतिहास बदलने की। यहाँ हिरण्यकश्यप के घर भी प्रहलाद पैदा होते हैं। बलराम अग्रवाल, विद्यालय के प्रबंधक। मैं मतलब ये चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय इतना उन्नति करे कि आज ये गोरखपुर में सबसे एक नंबर का विद्यालय बने और हमारे यहाँ बच्चे अच्छे से अच्छे यहाँ से निकल के जाएँ और अपने विद्यालय का नाम करें। इसी इस पावन पर्व पर हमारी यही शुभकामना है। हम जो है ये सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में CP द्विवेदी, गणतंत्र दिवस आज 70वां गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन वर्ष 1950 में अपने भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी से जो है यहाँ पर गणतंत्र यानी कि मतलब जनतंत्र, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, जनता का शासन हमारे देश में लागू हुआ और तब से जो है हम प्रतिवर्ष आज ही के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आज के दिन हम उन क्रांतिकारी वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उनका नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। भारत माता को हम ये संकल्प लेते हैं, संकल्प देते हैं कि हम जो है इस देश की रक्षा के लिए, इस तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए जो है अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। समाज में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय पर्व 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रैली के माध्यम से झांकी निकाली गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर से पूरे हर्षोल्लास के साथ वीर सपूतों और वीरांगनाओं को याद करते हुए मनमोहक झांकियां निकाली गई। बच्चों और मनमोहक झांकियों का जगह जगह पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश राय ने कहा। Thank you.
ये देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, समाज के जागरण के लिए रैली है और पूरे गोरखपुर में मैं प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इस कार्यक्रम को करता हूँ। विभिन्न विभागों की प्रगति को झांकी के माध्यम से दिखाने की परंपरा विगत वर्षों से चली आ रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज प्रांगण में झांकी को योजना के उप आयुक्त ब्रिजभूषण सिंह ने विभिन्न विभागों के प्रगति की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभागों की प्रगति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधीक्षक राजकीय उद्यान, जिला क्षय रोग अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित 25 विभागों के प्रगति की झांकियां निकाली गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए योजना के उपायुक्त ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, देखिए 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को ये परंपरा रही है कि जो भी विभाग हैं वो अपनी प्रगति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करें, जिससे जनता समझ सके कि कौन विभाग कौन सी योजनाएं चला रहा है और लोगों में जागरूकता है और उन विभागों में भी थोड़ा एक उसकी तैयारी करते वक्त लोगों में थोड़ा रौनक आती है, अपनी चीज़ों को थोड़ा रचनात्मकता प्रदर्शित होती है जिन झांकियों में, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है जिससे उनका उत्साहवर्धन होता है कि अगले साल और अच्छे तरीके से वो अपनी प्रगति को प्रदर्शित कर सके। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा, किया परेड का निरीक्षण, लिया मार्च पास्ट की सलामी, कहा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है गोरखपुर। गणतंत्र दिवस पर कमिश्नर ने अपने कार्यालय पर फहराया झंडा, लोगों को दिलाई देश की एकता और अखंडता की शपथ। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक, पार्टी के द्वारा जारी कार्यक्रमों के सफल आयोजन की तैयार की गई रणनीति, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
कोतवाली पुलिस ने 7 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 7 बाइक भी की बरामद। एसपी सिटी और सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। 17वें गणतंत्र दिवस पर डीएम ने किया ध्वजारोहण, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा शपथ दिलाकर गणतंत्र का बताया महत्व। राष्ट्रपर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई सभा, नगर निगम के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कारागार से अर्थदंड नहीं जमा करने वाले 8 कैदी का अर्थदंड शहर के व्यापारियों ने किया जमा, हुई रिहाई। क्षेत्राधिकारी कैंट कार्यालय का एडीजी ने किया उद्घाटन, कहा कार्यालय का जोड़दार होने कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता में होगी वृद्धि। महिला कल्याण संगठन ने रेलवे अस्पताल में किया वाई पैप मशीन का उद्घाटन, मौजूद रहे रेलवे के आला अधिकारी और चिकित्सक। लेक्चरर ऑन वोमेन हेल्थ इश्यूज के माध्यम से डॉक्टर श्रुति बोत्रे ने महिला आरक्षियों को दी हेल्थ एडवाइस, कहा अपने सेहत का रखें विशेष ध्यान। रोटरी क्लब और ऐश्वर्या ने मनाया गणतंत्र उत्सव, निकाली भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रध्वज फहराकर श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्र पर्व पर एनसीसी कैडेटों ने दी सलामी, छात्राओं ने गाया देशभक्ति गीत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने निकाली वीर सपूतों और वीरांगनाओं की वेशभूषा में मनमोहक झांकी, नागरिकों ने बरसाए फूल। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रगति की झांकी को विकास उप आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।